नमस्कार दोस्तों और क्रिकेट के दीवानवर दर्शकों को मेरा हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे खबरों के बारे में जो भारतीय क्रिकेट को बिल्कुल हलचल मचा दी है। दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं, बीसीसीआई हर साल केंद्रीय अनुबंध यानी कि दोस्तों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खिलाड़ियों की सूची जारी करता है। दोस्तों ये वो खिलाड़ी होते हैं जिन्हें की बोर्ड हर साल आर्थिक रूप से सहायता करता है, लेकिन इस साल दोस्तों इस लिस्ट में दो बड़े नाम न होने का खबरें सामने आ रही है और वो दो है दोस्तों ईशान किशन और श्रेयस अय्यर। दोस्तों सूत्रों के मुताबिक बीसीसीआई ने घरेलू क्रिकेट खासकर दोस्तों रणजी ट्रॉफी में खेलने की अनिवार्य कर दिया था, मगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर ने इस पर ध्यान नहीं दिया और वो लगातार आईपीएल और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में ध्यान देते रहे और उस पे व्यस्त होते रहे। यही वजह है कि उन्हें अब केंद्रीय अनुबंध यानी कि दोस्तों सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों अब इस फैसले पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें बीसीसीआई के द्वारा इसी प्रकार के कदम उठाना चाहिए क्योंकि युवा खिलाड़ियों को सबक सिखाना भी चाहिए, और कुछ लोगों का मानना ये है दोस्तों कि श्रेयस और ईशान किशन पहले से ही स्थापित खिलाड़ी हैं, तो उनको इसी प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट से बाहर करना सही नहीं होगा। दोस्तों इस पर आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, आपका क्या राय है आप जरूर हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और दोस्तों अगर इस वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं।